इस तरह की बात आज तक तो मैंने पाकिस्तान में देखी। ये मैंने उस दिन एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, तो वो एक लड़का चला इंडिया का ही है, गैर मुस्लिम, एक लड़का चला, हालांकि सफाई निसफ ईमान है, उसने आहिस्ता आहिस्ता एक वो अपना इदारा कायम कर लिया, सफाई करता है वो। पहले एक तो लोगों ने बातें की मगर वो नहीं हटा, अब उसके एक ग्रुप है, एक इदारा है उसका अपना, वो चला। यानी अब वो कहाँ से शुरू हुआ, जेनिटर से लेके अब वो सीईओ बन चुका है जी। ओ इधर अगर हम ऐसे करेंगे, एक बार मना करते हैं हमारी आवाम, एक आदमी ऐसा करेगा 100 पीछे बातें करने वाले, बजाय उसको प्रमोट करने के उसको डिक्रीज कर कुछ करें। हमने 75 सालों में क्या किया एज एन आवाम, हमने अभी आज तक कौन सा इनिशिएटिव लिया है कि भाई हमने सिर्फ नारे लगाए, बिरयानी खाई या बस। तो ये इसी वजह से तो फिर ये है ना, आप जैसे हम तो ओवरसीज में पैसे वहाँ से कमा के यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है, बैंकों के जरिए, पर आगे गवर्नमेंट जो है वही जो है ना खा जाती है सब पैसा। 2021 फिस्कल ईयर के अंदर आप लोगों ने जो रेमिटेंस 21-22 फिस्कल ईयर के अंदर जो आप लोगों की रेमिटेंस आई थी बाहर के मुल्क से, वो अराउंड 29 बिलियन डॉलर थी, और अगर वो ना होती तो पाकिस्तान तो पहले ही डिफॉल्ट कर चुका। बिल्कुल, देख ले जब पिछली गवर्नमेंट थी लोगों ने बहुत पैसा भेजा है, अभी हर बंदा हुंडी के जरिए पैसा भेज रहा है, दो नंबर तरीके से अब पाकिस्तान में पैसा आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि चले अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की, पाकिस्तान के अंदर आपके मुताबिक यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, बिजली का मसला चल रहा है, बिजली दो हफ्ते पहले जो था पूरा दिन का शॉर्टफॉल चला था। अगर हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की बात करते चलें तो वो इस फील्ड के अंदर हमसे इतना आगे निकल गया है कि वहाँ पे उन्होंने एक वीक मना रहे हैं एनर्जी वीक के नाम से, जहाँ पे वो सोलर एनर्जी, जो कि आपको पता है सूरज से एनर्जी हासिल की जाती है और उससे बिजली बनाई जाती है, उसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई अब हम हर चीज़ जो है वो सोलर एनर्जी, सोलर के थ्रू, सोलर की एनर्जी से इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे ऐसा पाकिस्तानी कि जिधर हम अभी तक क्राइसिस में घिरे हुए हैं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इतना नीचे जा रही है, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, पूरा पूरा दिन बिजली नहीं आती, अभी भी आ रही है तो घंटे बाद जा रही है, घंटा आ रही है, घंटा जा रही है, जबकि हमारा मुल्क, हमसाया मुल्क हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है। ये आप हिंदुस्तान की ऐसी बात करें, मतलब हिंदुस्तान हमसे आगे है ये मैं मानता हूँ, मगर हमारी माशियत गिर गई है, हिंदुस्तान से तो हम बराबर में यानी अलग हुए हैं। ये बांग्लादेश हमसे 20 साल बाद पाकिस्तान की बात 2071 में लदा हुआ है, वो हमसे इतना आगे निकल चुका है। हम पाकिस्तानी बस आवाम जो है ना, एक सियासतदान आवाम के साथ खेल रही है, कोई भी मुल्क का नहीं सोच रहा, हर आदमी अपनी सीट के पीछे, ये सबसे कहते हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं रैली निकलती है तो वो यहाँ तो निकलेगी तो किसी सियासी जमात की निकलेगी या फिर किसी मजहबी जमात की निकलेगी, लेकिन अगर जब हम इंडिया में देखते हैं इस तरह की रैलियाँ, तो वहाँ पे जब रैली निकलती है तो एनर्जी के लिए निकलती है, वहाँ पे एक अवेयरनेस के लिए निकलती है कि भाई वो अपनी पब्लिक को बता रहे होते हैं। असल में हमारी आवाम में इतना शऊर नहीं है, वो आवाम में शऊर जगा रहे हैं, हमारी आवाम में इतना सियासतदान सिर्फ कहते हैं सबसे बुरा नशा ताकत का नशा है, तो ये सर अपनी कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। हर आदमी जब भी देखेंगे किसी भी तरह कोई रैली इकट्ठी होगी उसमें सियासी इशू आएगा, सियासत अपनी इस्तेमाल इस तरह की बातें कोई भी नहीं कर रहा होगा कि भाई यहाँ पे एनर्जी को हमने ऐसे कंज्यूम करना है, इसको यहाँ पे हमने जो एलोकेट करना है, इस तरह की बात होती है। इस तरह की बात आज तक तो मैंने पाकिस्तान में देखी। ये मैंने उस दिन एक फेसबुक पर वीडियो देख रहा था, तो वो एक लड़का चला इंडिया का ही है, गैर मुस्लिम, एक लड़का चला, हालांकि सफाई निसफ ईमान है, उसने आहिस्ता आहिस्ता एक वो अपना इदारा कायम कर लिया, सफाई करता है वो। पहले एक तो लोगों ने बातें की मगर वो नहीं हटा, अब उसके एक ग्रुप है, एक इदारा है उसका अपना, वो चला। यानी अब वो कहाँ से शुरू हुआ, जेनिटर से लेके अब वो सीईओ बन चुका है जी। ओ इधर अगर हम ऐसे करेंगे, एक बार मना करते हैं हमारी आवाम, एक आदमी ऐसा करेगा 100 पीछे बातें करने वाले, बजाय उसको प्रमोट करने के उसको डिक्रीज करते हैं। ये देखते हैं कि हर फील्ड के अंदर जो है हिंदुस्तान हमसे आगे चला गया, हमसे जो अलग हुआ, आप बांग्लादेश की मिसाल दे रहे थे, बांग्लादेश की बात की जाए तो वो हमसे अलग हुआ, उसको भी अलग हुए हुए 50 साल पूरे हुए हैं, 50 सालों के अंदर बांग्लादेश हमसे इतना आगे जा चुका, और हम जिनसे अलग हुए थे वो भी इतना आगे जा चुके हैं, तो हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं कि हम अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए भाई, पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के बावजूद इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी ताकत है, अंग्रेज़ ये चाल चल रहे हैं, बस वो इसे साजात जो है ना वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो इसको नीचे दिखाना है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, उससे अंग्रेज़ का क्या इशू है, पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही, उसमें अंग्रेज़ का क्या हाथ है, इसमें यही आलमी सियासत जो है ना वो इस्लाम को आगे नहीं बढ़ना दे रही। अच्छा, इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस्लामी ताकत सिर्फ पाकिस्तान में, ये बात नहीं कर, इस्लाम बहुत से मुल्कों में, मगर इस्लामी ताकत सिर्फ पाकिस्तान है।
سعودی عرب نہیں ہے؟ نہیں ہے. اسلامی طاقت نہیں ہے؟ اسلامی طاقت نہیں, اسلامی ایٹمی طاقت کی بات کر رہا ہوں میں. یار اب یہ دیکھو نا, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, انرجی کرائسس پاکستان میں اتنے زیادہ ہیں, ہم نے ایٹم بم کا بھی کرنا کیا ہے؟ ایٹمی بم یہ تو کہہ رہے ہیں ہم گر بھی دے رہے ہیں. یہ یہ میں نے اسحاق ڈار کا انٹرویو خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں ہم ایٹمی دے بھی دیں تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا وہ اپنی ایٹمی طاقت کو گروی رکھوانے جا رہے ہیں. یہ آپ شاید نہیں جانتے, پاکستان کا یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہ بھی امریکہ کو دے چکے ہیں, نیشنل بینک بھی دے چکے ہیں. نیشنل بینک تو حکومت کو ہوتا ہے نا. جی یہ ان کو گروی دے چکے ہیں امریکہ کو, صرف اپنی معیشت کی سیدھا کرنے کے لیے. ہو جائے گی اس سے ٹھیک آپ کو لگتا ہے؟ نہیں ہوگی کسی بھی صورت. یہ جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا, سیاستدان صاف نیت کے ساتھ ملک کے لیے نہیں سوچیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے جو سیاستدان ہیں وہ کافی بہتر کام کر رہے ہیں پاکستانی سیاستدانوں کی نسبت؟ ان کی نسبت تو میرے خیال میں سب ساری دنیا کی بہتر کر رہے ہیں, مطلب بنگلہ دیش کے بھی بہتر کر رہے ہیں, وہ اس سے بھی بہتر ہیں, وہ جو بھی ہیں اس سے بہتر. یہ تو بس ایک ہی ملک ہے اتنا سا اور 18 پارٹیاں بنی پڑی ہیں. سر جی پاکستان کے حالات ابھی اللہ تعالیٰ کو بہتر کریں, باقی جو یہ ہماری گورنمنٹ ہے چور گورنمنٹ اس کو کہوں گا میں, کیونکہ ہمارے جو ہم اوورسیز ہیں ٹھیک ہے, ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے, ان چوروں کی وجہ سے. ابھی آپ خود حساب لگا لے کہ ڈالر 278 کا ہو گیا ہے. میں آج ایکسچینج کروا کے آیا ہوں, 275 انہوں نے سیل کیا اور جو وہ بائی کر رہے تھے وہ 277.64. حالات لگا لیں کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا, غریب آدمی کا یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے ٹھیک ہے. انرجی کرائسس کی بات ہو رہی تھی تو انرجی سے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں انرجی کرائسس کا آپ کو بہتر پتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں اس وقت انرجی کے کرائسس چل رہے ہیں. لیکن اگر ہم اسی حوالے سے بات کرتے چلیں تو جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے ہندوستان, وہاں پہ انرجی ویک منایا جا رہا ہے, یعنی کہ پورے ویک کے لیے وہ ایک اویئرنیس کمپین کریں گے, ایک ریلی چلے گی جو کہ سولر انرجی کے اوپر ایک اویئرنیس کمپین چلائے گی. کیا سمجھتے ہیں آپ کے کرنے کیا جا رہا ہے ہندوستان اور ہم کہاں پہ ابھی تک اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہندوستان بہت آگے نکل چکا ہے اور پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے. تو انرجی کا آپ خود دیکھ لیں, یہاں پہ لائٹ ہوتی نہیں ہے, پچھلے دنوں میں 3-4 دن میں بالکل لائٹ پورے پاکستان میں نہیں تھی. تو پہلے جو گورنمنٹ تھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش, میں ان تینوں ملکوں کی اگر بات کروں تو یہ ایک ہی خطے کے ملک ہیں اور بنگلہ دیش ہم سے ہی الگ ہوا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, جبکہ اگر ہم اس پاکستان کی بات کریں جو کہ موجودہ پاکستان ہے تو یہاں پہ یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ درپیش ہیں. یہ جو گورنمنٹ ہے نا صرف اپنے خزانے بھرنے کے لیے, ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے, وہ جو ابھی ہے ابھی دیکھیں نواز شریف صاحب کی والدہ فوت ہوئی ہے, وہ پاکستان میں نہیں آیا ٹھیک ہے, وہ علاج کروانے ادھر جاتے ہیں ٹھیک ہے. باقی خود آپ حساب لگا لے, گورنمنٹ پہ بھی جائے گا نا, گورنمنٹ کچھ کرے. ہم نے 75 سالوں میں کیا کیا ایز این عوام, ہم نے ابھی آج تک کون سا انیشیٹو لیا ہے کہ بھائی ہم نے صرف نعرے لگائے ہیں, بریانی کھائی ہے بس. تو یہ اسی وجہ سے تو پھر یہ ہے نا, آپ جیسے ہم تو اوورسیز میں پیسے وہاں سے کما کے یہاں پہ بیچتے ہیں ٹھیک ہے بینکوں کے ذریعے, پر آگے گورنمنٹ جو ہے وہی جو ہے نا کھا جاتی ہے سب پیسہ. 2021 فسکل ایئر کے اندر آپ لوگوں نے جو ریمیٹنس 21-22 فسکل ایئر کے اندر جو آپ لوگوں کی ریمیٹنس آئی تھی باہر کے ملک سے وہ اراؤنڈ 29 بلین ڈالرز تھی, اور اگر وہ نہ ہوتی تو پاکستان تو پہلے ہی ڈیفالٹ کر چکا. بالکل دیکھ لے, جب پچھلی گورنمنٹ تھی لوگوں نے بہت پیسہ بھیجا ہے, ابھی ہر بندہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیج رہا ہے. دو نمبر طریقے سے اب پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے. بالکل, کیونکہ گورنمنٹ پہ کسی کو یقین ہی نہیں ہے. اس گورنمنٹ پہ دیکھیں, پہلے جب ساگ ڈار آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ڈالر اس نے روک رکھا تھا ٹھیک ہے, ویسے جو ڈالر یا ریال تھا نا وہ مارکیٹ میں زیادہ سیل ہو رہا تھا, پر آن لائن انہوں نے جو ریڈ کیا ہوا تھا نا وہ کام تھا. ابھی دیکھیں کدھر چلا گیا, ایک دم انہوں نے جب کھولا ہے اوپن کیا ہے تو اس وقت آج میں آپ کو بتا رہا ہوں 278. بالکل ابھی ریال 73 ڈال گئے. تو سر ان حالات کے اندر اگر ہم بات کرتے چلیں کہ ہمیں ابھی ضد چھوڑ کے ہم اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان بنگلہ دیش ان سے کچھ سیکھنا چاہیے یا ابھی بھی ضد پہ برقرار رہنا چاہیے؟ بالکل سیکھنا چاہیے. بنگلہ دیش دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے جی, وہاں پہ چاول اور مچھلی کی کاشت ہوتی ہے بس ٹھیک ہے, وہ دیکھیں کتنا ابھی بہت ہم سے آگے ہیں, وہ ان کا ابھی ایک ریال جو ہے نا وہ الگ ہوئے ہیں. وہ الگ ہو کے چھوٹا سا ملک ہے, اتنا بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے, ابھی ایک ریال 21 کا ان کا ہے ٹھیک ہے. تو صاحب آپ خود لگا لیں کہ ٹرپل فرق ہے ہم اور ان میں, 21 کا ایک سعودی ریال اور پاکستان کے اندر آپ بتاتے ہیں 73 کا انڈیا کا. سر ان حالات کے اندر اگر ہم بات کرتے چلیں, تھوڑی سی سخت بات ہے, وہ اپنے آپ کو مطلب بہتر نہیں محسوس کرتے ہوں گے الگ ہو کے پاکستان سے کہ شیخ مجیب الرحمان کو دعائیں دیتے ہوں؟ بالکل بہت زیادہ وہ محسوس کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں. ابھی پاکستان جس حالات میں جا رہا ہے اللہ ہی کچھ رحم کرے, تو باقی عوام کے نریندر مودی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایک انڈیا کے اچھے پرائم منسٹر ہیں؟
वो इंडिया का है, मैं नहीं कह सकता। नहीं अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ से तो बेहतर ही है, चोर से तो बेहतर ही है। नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ से बेहतर है, बिल्कुल सर। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, ठीक है। उनके आप देखें, उन्होंने गाड़ियाँ परचेज की हैं, बिजली का उनके आप सोलर देख लें, बाकी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना दुनिया में उन्होंने किया है। तो अगर इसी हवाले से पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या उनको आप ये सजेशन देंगे कि वो भी नरेंद्र मोदी से कुछ सीखें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें? बिल्कुल जी, उन्होंने हमसायों से तुर्की से सीखना चाहिए, सऊदी अरब से सीखना चाहिए, इंडिया से, बांग्लादेश से सीखना चाहिए। ठीक, इस तरह तरक्की नहीं होती है। अपना अपना तरीका, हर आदमी बस आवाम को लालच लगा के अपना कपड़ा सीधा कर रहा है, इस तरह तरक्की नहीं कर सकता मुल्क। मगर अगर तरक्की चाहते हैं तो ये आप ज़्यादा नहीं, ये यूरोप कंट्री देख लें, अपोजिशन और हुकूमत दो पार्टियाँ, इस तरह की काम। ये एक ये आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखकर वफाक में किसी और की, एक सूबे में एक ही, एक सूबे में एक, एक सूबे में एक ही, इस तरह मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। एक प्रेसिडेंशियल निज़ाम होना चाहिए, एक होना चाहिए ना एक। वो तो इंडिया में भी नहीं है, लेकिन इंडिया तो फिर भी तरक्की कर रहा है। मगर उसके अवाम में शऊर, मैंने पहले बताया उसके अवाम में ज़्यादा शऊर है हमसे, हमारी अवाम को शऊर कैसे बेदार करें अवाम में? शऊर जैसे आप अब आप ये वीडियो बता रहे हैं, इस तरह ये यूट्यूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें इंडिया वाले, ये चैनल बना भाई, हम तो ये वीडियो बनाते हैं, लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि आप इंडिया की तारीफ़ क्यों कर रहे हो, आप इंडिया के बारे में अच्छी बात क्यों बता रहे हो पाकिस्तानियों को? नहीं, इंडिया की तारीफ कर, जिसमें जो भी खासियत है चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, तारीफ उसकी करनी चाहिए। अब तुर्की का निज़ाम देखा है, वो सदर एक बात करता है पूरा मुल्क जाम, ये हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं मगर हम, मतलब हमें अभी इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। हाँ ये भी कह सकते हैं, सीखना शैतान से भी बड़े अच्छा सीख सकते हैं, शैतान से भी सीख रहे हैं इंडिया तो फिर भी एक पहली बात तो ये है कि एनर्जी में हम इंडिया से अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया के जो डैम है हमारे पास तो चंद हाथों में गिने जा सकते हैं, इंडिया के तो हम हाथों पर नहीं गिन सकते, उंगलियों पर नहीं गिन सकते, इतने ज़्यादा डैम है वो। ये गलती किसकी है? जाहिर है सियासतदान हमारे, और कौन है, हमने खुद तो नहीं उठ के चले जाना कि यार हमें ये कर दे यार, ये जो भी है काम ही नहीं बनाया, डैम ही नहीं बनाया, वक्त ज़ाया किया है। डैम ये भी नहीं है कि रातों रात डैम बन जाए, ठीक है, अगर हम ऐसे भी करें छोटे छोटे बनाते रहते, बड़े ना लगाते, ये इन्होंने कहा कि नहीं भाई रातों रात ही सारा काम डाल देना है, वो इतने बड़े हैं कि सालों में भी नहीं ख़त्म हो रहे, प्रोजेक्ट वहीं के वहीं रह गए। इंडिया से तो हम ना ये करें, जिद करनी हमें सूट ही नहीं करती ये चीज़, थोड़ा सोची बोली। तो मैंने कहा ये तो हमें सूट ही नहीं करता कि हम इंडिया से इस बारे में कंपैरिजन या करें, तो यही कर सकते हैं कि अगर अल्लाह इनको शऊर दे कुछ। नहीं, बात ये हो रही है बेसिकली कि हम एक ही खित्ते में रहते हैं, जो मौसम इधर हैं वही मौसम उधर हैं, जैसे लोग इधर हैं वैसे ही लोग इधर हैं उधर हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने में आता है कि एक कौम जो है वो अपने मुल्क के अंदर एनर्जी वीक मना रही है, यानी कि वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुफ्त बिजली भी दी जाती है, या अगर वहाँ पे बिजली का रेट लिया भी जाता है तो वो काफ़ी कम होता है पाकिस्तान की नस्बत, तकरीबन आधे से भी आधा है। पाकिस्तान में एक तो बिजली इतनी महंगी, ऊपर से बिजली आती नहीं, और अगर आती भी है तो वो भी एक घंटा आती है और दो घंटे के वक्फे से चली जाती है। इन हालात के अंदर हम फिर ऊपर से डिमांड करते हैं कि भाई हमें कश्मीर भी चाहिए, पाकिस्तान हमसे अभी एनर्जी क्राइसिस की वजह से संभाला नहीं जा रहा, कश्मीर भी अगर हमारे पास आ जाए तो क्या हम उसको इसी तरह ही रखेंगे? बिल्कुल, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि ये, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात कि ये कश्मीर की डिमांड करते हैं, एनर्जी इनसे पूरी नहीं होती, तो आपने अच्छी बात की। तो मैं भी यही कहूँगा कि यार ऐसा है कि इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इंडिया तो मुझे उनकी ये भी अच्छी चीज़ लगी कि अवेयरनेस के ऐसे प्रोग्राम इधर भी चलने चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई रैली निकलती है, वहाँ पर रैली निकल रही है, वो सोलर एनर्जी को मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान में रैली निकलती है तो पाकिस्तान में सियासी रैली निकलेगी, हमें पाकिस्तान में एहतजाज निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेफजूलियात की तरफ जो बढ़ना है हमने, और काम की चीज़ होगी उनके पीछे नहीं। देखिए हमें भी ऐसा करना चाहिए था कि हम भी कोई, तो हम क्यों नहीं सीखते उनसे? नहीं सीखते, ज़िद है ना, हमें अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम कहते हैं हमें जो भी मिला है मोहब्बत नफरत सिर्फ विरासत में मिल गई है, बड़ों ने सिखा दी है। इंडिया से, अपने बड़ों से कह लें या किसी से भी, या सिर्फ इंडिया से? अब इंडिया से क्यों, उनका अच्छा काम हम क्यों नहीं अपनाते? मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, आप कह रहे हो कि अच्छी बात क्यों नहीं अपनाते,
हम कल परसों वीडियो बना रहे थे वहाँ पे, मैंने इसी तरह ही उनको बताया कि भाई ये चीज़ अगर हम करेंगे तो बेटरमेंट हो जाएगी पाकिस्तान की, इंडिया का रहा। एंड लिटरली कैन यू इमेजिन, वहाँ पे उन्होंने मुझे पकड़ा और वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि तुम भाई इंडियन एजेंट हो। लो ये क्या बात है भाई, इंडियन अगर वो हमारी भी अच्छी चीज़ कॉपी कर लेते हैं जिनका उनको फ़ायदा होता है तो वो कर लेते हैं, वो इसमें शेम फेल नहीं करते। हम करते हैं, हम ये करते हैं कि वो यहाँ को तो मज़हब का ले आते हैं या सियासत का ले आते हैं या कोई ऐसा कुछ ना कुछ ले आते हैं। ये नहीं करना कि यार ये सब तासुब एक साइड पे रखे और अपना जो फ़ायदे, मतलब हमें जब अपने मुल्क की बात आएगी तो ना वहाँ पे मज़हब आएगा, ना वहाँ पे कोई हमारी ज़ात पात और नस्ल वगैरह आएगी। बिल्कुल आपने बड़ी, फिर भी हम वो सामने रखते हैं। यही तो बात है, बंदा हर बंदे में शौर तो नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं है, हर बंदा एक अलग अलग ही मिजाज रखता है। हम एक दूसरे को भी बुलाएंगे तो इस तरह बुलाएंगे, तू पंजाबी है, तू सिंधी है, तू बिल्कुल। घर में ये झगड़े नहीं खत्म हो रहे, बाहर क्या लड़ेंगे हम, बाहर किसी से हम क्या कह सकते हैं। घर में हमारे बांग्लादेश की बात कर लें तो पाकिस्तान से आधी से ज़्यादा टेक्सटाइल फैसलाबाद की जो इंडस्ट्रीज हैं वो शिफ्ट हो गया बांग्लादेश में जा चुकी हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वो माशाल्लाह से क्वालिटी देखे, मैंने देखी थी कि उनकी फैब्रिक में इंडस्ट्री जो है ना, पहले पाकिस्तान की नाम था और बांग्लादेश का, अब